हे गाइस, वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल। आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ लॉरियल पेरिस रिवाइटलिफ्ट शीट मास्क का। लॉरियल पेरिस ने इससे पहले अपना माइक्रो एसेंस जो था वो मार्केट में लॉन्च किया था और उसका वीडियो मैंने अपने चैनल पे किया है, आप चाहे तो उसे भी चेकआउट कर सकते हैं। और बात करूँ अगर इस शीट मास्क की तो ये भी उसी माइक्रो एसेंस से ही बना है, ऐसा ये लोग क्लेम करते हैं। लेकिन इसके इंग्रेडिएंट्स और माइक्रो एसेंस के जो इंग्रेडिएंट्स है उसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे का फर्क है, जो कि मैं वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। और साथ में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि शीट मास्क क्या होते हैं, कब यूज करना चाहिए, किस तरीके से यूज करना चाहिए, क्या है सही तरीका इनको यूज करने का और क्या हमें सच में शीट मास्क को यूज करने की जरूरत है। जैसे कि आजकल कई कॉन्ट्रोवर्सीज चल रही है कि शीट मास्क जो होते हैं उन्हें यूज नहीं करना चाहिए, उससे बेटर होता है कि आप सीरम परचेज कर लें, तो क्या हमें शीट मास्क यूज करना चाहिए। और साथ में मैं ये भी शेयर करूंगी कि शीट मास्क को यूज करते वक्त हम कौन कौन सी मिस्टेक्स करते हैं ताकि आप वो मिस्टेक्स फ्यूचर में रिपीट ना करें। तो वीडियो आपके लिए काफी इन्फॉर्मेटिव साबित होने वाला है गाइस, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखना। वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, मैं ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेके आती रहती हूँ। और अब आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट द वीडियो। शीट मास्क हमारे लिए कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, आप में से बहुत सारे लोग ऑलरेडी शीट मास्क यूज कर भी रहे होंगे। और आजकल तो शीट मास्क जो है वो काफी कॉन्ट्रोवर्शियल है स्किन केयर के मामले में, क्योंकि कई लोगों का मानना है कि जो शीट मास्क होते हैं उसे हमें यूज नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि हमें कब कब शीट मास्क जो है वो यूज करना चाहिए। अगर आपके पास पूरा 5 to 10 स्टेप्स का स्किन केयर रूटीन फॉलो करने का टाइम नहीं है, आप बहुत बिजी रहते हैं या फिर आप कहीं ट्रेवलिंग पे जा रहे हैं या फिर आपको कोई ऐसा ओकेजन अटेंड करना है जो कि अभी कल परसों ही आने वाला है, तो शीट मास्क जो है वो यहाँ पे आपकी काफी हेल्प कर सकता है। शीट मास्क में एक बार में ही आपकी स्किन को इतना सीरम मिल जाता है कि आपकी जो स्किन है वो डीपली हाइड्रेट हो जाती है, मॉइस्चराइज भी हो जाती है और साथ में ग्लोइंग भी हो जाती है। लॉरियल रिवाइटलिफ्ट क्रिस्टल माइक्रो एसेंस ट्रीटमेंट मास्क फॉर क्रिस्टल क्लियर स्किन आता है स्किन ब्राइटनिंग एक्टिव्स के साथ। दिस शीट मास्क क्लेम्स दैट इट ट्रांसफॉर्म्स योर स्किन इन जस्ट 15 मिनट्स एंड हाइड्रेट्स रिफाइंड एंड स्मूदन योर स्किन। और इस शीट मास्क में आपको 1 बॉटल जितना एसेंस मिलता है। द मेन इंग्रेडिएंट्स ऑफ दिस शीट मास्क आर एक्वा प्रोपेंडियोल बिटाइन, इसमें आपको फ्रूट वाटर मिलता है, इसमें कीवी विनिफेरा और ग्रेप फ्रूट वाटर भी है, इसमें हाइलोनोरेट है जो कि हाइलोरोनिक एसिड होता है, शिया बटर है, कैस्टर ऑयल है, लिमोनिन है और इसमें फ्रेग्रेंस भी एडेड है। एंड दिस मास्क ऑल्सो क्लेम्स दैट इट विल रिन्यू योर स्किन, रिफाइन द टेक्स्चर ऑफ योर स्किन एंड ब्राइटन एंड क्लियर योर स्किन। शीट मास्क को यूज करने से पहले आप अपने फेस का सारा मेकअप रिमूव कर लें और फेस को अच्छे से वॉश जरूर करें। आपको शीट मास्क को इस तरीके से ओपन करना है और फिंगर की हेल्प से ही इसे बाहर निकालना है। मेक श्योर कि आपके जो हैंड्स हैं वो भी क्लीन हो। शीट मास्क में बहुत सारा सीरम है, आप देख सकते हैं, इनफैक्ट पैकेट के अंदर भी काफी सारा सीरम है। आपको शीट मास्क को इस तरीके से अपनी फिंगर से ही अनफोल्ड करना है और ये जो फेस का शेप शीट मास्क में बना होता है उसके अकॉर्डिंग इसे अपने फेस पे अप्लाई करना है। शीट मास्क को आपको अच्छे से ओपन करना है, इसमें कोई भी फोल्ड्स वगैरह नहीं होने चाहिए और इसको अपने पूरे फेस पे आपको इस तरीके से स्प्रेड करना है और कहीं से भी इसके जो कॉर्नर्स हैं वो ओपन नहीं होने चाहिए, उन्हें आपको इस तरीके से क्लोज कर देना है और जो एक्स्ट्रा सीरम है उसे आप अपनी नेक एरिया पे अप्लाई कर सकते हैं। इस शीट मास्क का मटेरियल बाकी शीट मास्क से अलग होता है, ये कुशन टिश्यू टेक्नोलॉजी से बनाया जाता है और इसलिए ये 30% ज्यादा सीरम अब्सॉर्ब करता है। और इस वक्त पैकेट के अंदर भी काफी सारा सीरम मौजूद है, तो मैं रिकमेंड करूंगी कि आप इस सीरम को अपने आर्म्स और लेग पे स्प्रेड कर लें ताकि ये बिल्कुल भी वेस्ट ना हो और इसका फायदा जो है वो आपकी बॉडी को भी मिले। कुछ शीट मास्क आउटर फिलर्स के साथ आते हैं, तो शीट मास्क को अप्लाई करने से पहले आप उस फिलर को जरूर रिमूव करें। मास्क को आपको 15 मिनट तक अपने फेस पे रखना है और इन बिटवीन आपको सोना नहीं है, नैप नहीं लेनी है, बल्कि आप कोई टीवी सीरियल देख सकते हैं या बुक रीड कर सकते हैं। एंड गाइज, यू कैन सी 15 मिनट मास्क को रखने के बाद भी मेरे फेस पे इस वक्त कितना सारा सीरम दिख रहा है और आप देख सकते हैं कि मास्क के अंदर भी अभी कितना सारा सीरम जो है वो बचा हुआ है। आप इस बचे हुए सीरम को भी अपने बॉडी पे अप्लाई कर सकते हैं। बचे हुए सीरम को अपनी स्किन में पेनिट्रेट करने के लिए आप इस तरीके से अपनी फिंगर्स को टैप करें और इसको बिल्कुल भी हार्शली रब ना करें, आपको बिल्कुल हल्के हाथों से अपने फेस को टैप करना है। तो गाइज, यू कैन सी कि अभी मेरे फेस पे कितना ज्यादा सीरम है और जो मैंने अभी आपको दिखाया कि शीट मास्क में से भी कितना ज्यादा सीरम निकला था जो कि मैंने अपनी पूरी बॉडी पे यूज कर लिया है। तो आपको इस शीट मास्क को यूज करने के बाद कम से कम 10 से 15 मिनट तक वेट जरूर करना चाहिए ताकि पूरा का पूरा जो सीरम है वो आपकी स्किन के अंदर एब्जॉर्ब हो जाए। अभी आप देख सकते हैं काफी ज्यादा शाइनी लग रहा है, ये ऑयल नहीं है, ये एक्चुअली सीरम है जो कि अभी थोड़ी देर के बाद मेरी स्किन में एब्जॉर्ब हो जाएगा।
सो गाइज, जो बेस्ट टाइम है शीट मास्क को यूज करने का वो ओवरनाइट हो सकता है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि इसको एब्जॉर्ब होने में काफी ज्यादा टाइम लगता है, और अगर आप इसको रात को यूज करते हैं तो ये सुबह तक अच्छे से आपकी स्किन के अंदर डीपली पेनिट्रेट कर जाएगा। और अगर आप शीट मास्क यूज करना चाहते हैं किसी ओकेजन में जाने से पहले, तो आप इसे कम से कम आधा घंटा पहले जरूर अप्लाई करें, और उसके बाद आप अपना जो भी मेकअप है वो अपने फेस पे करें। अगर आप ओवरनाइट शीट मास्क को यूज करते हैं तो सुबह उठने के बाद अपने फेस को वाटर से ही वॉश करें, पहले दिन जो है आप सोप यूज ना करें, और हो सके तो 24 आवर्स तक आप अपने फेस पे कोई भी सोप वगैरह यूज ना करें। शीट मास्क आपको एक बार में ही 7 दिन यानी कि एक हफ्ते के बराबर का जो हाइड्रेशन है वो प्रोवाइड करते हैं, और जैसा कि इस लॉरियल रिवाइटलिफ्ट शीट मास्क के पैक पे ही लिखा है कि इसमें पूरा एक बॉटल भर के जो सीरम होता है इतना एसेंस जो है वो यूज किया गया है। और बात करूं अगर इस मास्क के क्लेम्स की, तो जैसे कि ये क्लेम करता है कि ये आपकी स्किन को स्मूथ बनाएगा, ग्लोई बनाएगा, हाइड्रेट करेगा, तो इसने मेरी स्किन को इतना ज्यादा हाइड्रेट किया है, इतना अच्छे से मॉइस्चराइज किया है कि आप अभी भी देख सकते हैं मेरी स्किन जो है हाईली मॉइस्चराइज लग रही है। और क्योंकि अभी विंटर का सीजन है और जो स्किन है वो काफी ड्राई हो जाती है, तो इस वक्त मेरी स्किन जो है वो काफी स्मूथ भी लग रही है। सो गाइज, अगर आपकी स्किन भी बहुत ज्यादा ड्राई हो गई है, डल हो गई है, फेस का ग्लो जो है वो कहीं चला गया है, या फिर आप बहुत ज्यादा ट्रेवल करते हैं और आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप किसी स्किन केयर रूटीन को फॉलो करें, तो आप इस शीट मास्क को यूज करके देख सकते हैं। यह आपकी स्किन को इंस्टेंट हाइड्रेशन और मॉइस्चराइजेशन के साथ साथ आपकी स्किन को ग्लो भी प्रोवाइड करेगा। सो गाइज, दिस वॉज माई टूडेज वीडियो, जिसमें कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस इस शीट मास्क के साथ। वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, और अगर आप इसको यूज करने के बारे में सोच रहे हैं तो एक बार जरूर यूज करके देखें, और आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा मेरे साथ कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, मैं ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेके आती रहती हूँ। और अब आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, और अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो 1-on-1 वहाँ पे मुझसे पूछ सकते हैं। एंड गाइज, वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में एक स्माइली जरूर डाल देना। मैं मिलती हूँ आपसे ऐसे एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ गाइज, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड बी ब्यूटीफुली बेस्ट।